मध्य प्रदेश के जबलपुर में अपने पिता और मासूम भाई का कत्ल करके फरार होने वाली नाबालिग लड़की को आखिरकार पुलिस ने 75 दिन बाद उत्तराखंड की पावन नगरी हरिद्वार से गिरफ्तार कर ही लिया है। कोतवाली पुलिस ने बुधवार को जिला हॉस्पिटल के करीब उसे हिरासत में लिया है, लेकिन डबल मर्डर में उसका पार्टनर मुकुल सिंह वहां से भाग निकला है और वह भागने में कामयाब हो गया है, लेकिन पुलिस अब उसकी तलाश कर रही है। आपको बता दें, इसी साल 14-15 मार्च की रात मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के मिलेनियम कॉलोनी में एक रेलवे अधिकारी और उसके बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस वारदात को रेलवे अफसर की नाबालिग बेटी ने अपने साथी मुकुल सिंह के साथ मिलकर अंजाम दिया था। वो दोनों वारदात के बाद से ही फरार चल रहे थे, तभी से वे दोनों एक साथ में थे। नाबालिग लड़की ने पूछताछ में हत्या में शामिल होने की बात कबूल ली है, अब पुलिस की हिरासत में है। आपको बता दें, नाबालिग कातिल के पकड़े जाने से पहले पुलिस लगातार इन दोनों का पीछा कर रही थी। दोनों आरोपी आगे थे और पुलिस पीछे, ये दोनों मिलकर किसी सातिर अपराधी की तरह पुलिस को पिछले 75 दिनों से चकमा दे रहे थे। इससे पहले ऐसे कई मौके आए जब पुलिस को इन दोनों की लोकेशन तो मिली, लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तो दोनों कातिल वहां से निकल चुके थे। इसी तरह से कई बार इन दोनों ने पुलिस को चकमा दिया, लेकिन इस बार हरिद्वार पुलिस को इन दोनों के बारे में जानकारी मिली तो पुलिस हरकत में आ गई। और जिले के SP प्रवेंद्र सिंह डोवाल का कहना है कि पुलिस ने जब चेकिंग अभियान चलाया तो पुलिस को पता चला कि जिला अस्पताल के पास में एक जोड़ा है जिसमें लड़के का नाम मुकुल कुमार सिंह है, साथ में एक लड़की है। दोनों को जब पूछताछ के लिए बुलाया गया तो इस दौरान बीच बचाव करते हुए मुकुल सिंह वहां से फरार हो गया और पुलिस को चकमा दे गया। लड़की से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह जबलपुर से IPC की धारा 302 और 201 में अपने पिता और भाई की हत्या के आरोप में बंचे चल रही है। जब पुलिस ने जबलपुर पुलिस से संपर्क किया तो जबलपुर पुलिस ने इसकी पुष्टि कर दी। जबलपुर पुलिस अब पूछताछ के लिए हरिद्वार पहुंच रही है और पूछताछ के बाद लड़की को उनके सुपुर्द किया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि इस आरोपी लड़की ने अपने साथी के साथ मिलकर अपने बेटे और अपने पिता की हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उसने अपने 8 साल के मासूम भाई को फ्रिज में रख दिया था और वह उसी लड़के के साथ फरार हो गई थी। फिलहाल पुलिस की अब लड़की गिरफ्त में है, जबकि उसका साथी आरोपी मुकुल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। सुनील सेन, ब्यूरो रिपोर्ट, खबर एक्सप्रेस, न्यूज जबलपुर। फार्म ट्रेक लेकर आया है त्योहार धमाका, अब ट्रैक्टर खरीदी पर पाए एक सुनिश्चित उपहार। किसानों के लिए फार्म ट्रैक ट्रैक्टर बना अभी तक का नंबर वन ट्रैक्टर, तो देर किस बात की। ट्रैक्टर खरीदने के लिए अभी संपर्क करें भूपेंद्र पड़रिया 94-25-99-99-20। हमारा पता है पड़रिया ट्रैक्टर से शोरूम चांदपुर रोड रहली सागर।